का चुनाव चिन्ह हुआ जब्त, पनीर सेल्वम गुट मरीना बीच पहुंचा। शहीदी दिवस 1931 में आज ही के दिन दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा हलफनामा, इसी के साथ 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। लंदन में आतंकी हमला, 5 की हुई मौत, 40 घायल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस हमले में किसी भारतीय के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार बेटी बचाओ अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को बनाना चाहती है अपना ब्रांड एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच का ट्रेलर हुआ रिलीज। भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटरनेशनल मैच में कंबोडिया को 3-2 से हराया। भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री चांद ने किया 1-1 गोल।